अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। दुआ को सरफराज की असलियत का पता चल गया कि सरफराज की शादी फिज़ा से हुई है। अब वो वक्त दूर नहीं जब फिज़ा और सरफराज की अलहदगी होगी और हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये सब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि दुआ नहीं चाहेगी कि उसकी बहन किसी ऐसे आदमी के साथ रहे जिसे ना तो लड़कियों की इज्जत करना आती है, ना बात करने का तरीका है। बस उसके अंदर लालच कूट कूट के भरा है और वही लालच सरफराज के सामने आएगा और सरफराज के पास कुछ नहीं रहेगा। ये दिन दूर नहीं जब सरफराज मुंह की खाएगा, क्योंकि उसने सबके साथ बहुत बुरा किया। अब तो खिजर और अपनी बहन के साथ भी बुरा करना शुरू कर दिया। सुंबल, जिसकी शादी हो चुकी है खिजर से, अगर वो उसे डिनर पर लेके जाना चाहता है तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, मगर सरफराज ने ये सुनते ही खिजर को भी अच्छी हाँसी सुना दी कि तुम मेरी बहन को होटल के कमरे की जीनत बनाना चाहते हो और बाद में उसको छोड़ दोगे। मतलब वो उसका शौहर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो उसको लेके भी जा सकता है, मगर सरफराज अपनी बातों से और अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और फिज़ा पर भी यही इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम खिजर के साथ हंस हंस कर बात करती हो, जबकि दूसरी तरफ अगर बात हम नौशिरवान की करें तो उस जैसा इंसान तो कोई है ही नहीं। इतनी इज्जत करने वाला, दुआ की माँ बाप को इतनी ज़्यादा इज्जत दी कि उनको रश्क हो रहा था अपनी बेटी की किस्मत पे कि अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढते तो इतना अच्छा लड़का अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ पाते। मगर यहाँ पर सरफराज का दुआ को नुकसान पहुँचाकर, दुआ की ज़िंदगी बर्बाद करके, फिज़ा की ज़िंदगी बर्बाद करके भी सुकून नहीं आया और अब पहुंच गया नौशिरवान की बीवी के पास। जब पता चला कि सब कुछ उसके नाम है तो पहुंच गया उसके पास कि उसको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा ले। मतलब सरफराज चाहता क्या है? वो चाहता है कि बहुत थोड़े टाइम में उसके पास वो सब कुछ हो जिसकी उसने तमन्ना की। और जब हम ऐसा चाहते हैं ना कि हमारे कोई जैकपॉट हमारा निकल आए या कुछ ऐसा हो जाए कि हम बहुत अमीर हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और सरफराज भी जो सोच रहा है बिल्कुल गलत सोच रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, नौशिरवान अपना कुछ भी उसको लेकर जाने नहीं देगा। अभी तो नौशिरवान भी गाँव आया हुआ है क्योंकि बाबा साईं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और साथ दुआ भी। अम्मा साईं ने कहा भी कि हम शहर जाते हैं, मगर बाबा साईं जाने के लिए तैयार ही नहीं। यहाँ पर दुआ ने भी कहा कि हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और कश्माला तो ये सुनकर हैरान रह गई कि दुआ इतना अच्छा बोलती है कि किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है। ऐसे तो नहीं दुआ ने नौशिरवान को अपना दीवाना बनाया। अब कश्माला हर मुमकिन कोशिश करेगी कि दुआ नौशिरवान की ज़िंदगी से निकल जाए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली बताना आपको ये था कि कश्माला और सरफराज बहुत ज़्यादा चालें चल रहे हैं। एक चैलेंज चल रहा है नौशिरवान की बीवी को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए, और दूसरी चैलेंज चल रही है कि नौशिरवान की बीवी को निकाल दे उसकी ज़िंदगी से। मगर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये दोनों मतलब सरफराज और कश्माला मुंह की खाएंगे। और सरफराज के साथ तो बहुत बुरा होगा क्योंकि फिज़ा कभी भी सरफराज के साथ नहीं रहेगी। जब उसको पता चलेगा कि सरफराज वो इंसान है जिसने उसकी बहन यानी कि दुआ के साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो सरफराज और कश्माला के दिन तो करीब हैं। किस किस को लगता है कि इनका फ़ैसला बहुत जल्द हो और बहुत जल्द इनका कोई ना कोई टिकाना लगे, मतलब यहाँ पर सरफराज का सबको पता चल जाए और वो भी अपने अंजाम को पहुँचे। और कश्माला तो बेचारी अपने अंजाम को पहुँची है, बस उसका नौशिरवान की ज़िंदगी से जाना बाकी है। तो किस किस को लगता है कि कश्माला जल्द ही नौशिरवान की ज़िंदगी से निकल जाएगी और वहाँ से फिज़ा की ज़िंदगी से निकल जाएगा सरफराज, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।